बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेवल प्लेन एंड शिमला कॉन्फ्रेंस व्हिच वाज हैपेंड इन द ईयर 1945। वेल, तो आज हम टू टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि एक दूसरे के साथ क्लोजली कनेक्टेड हैं। मींस दैट कि ये दोनों टॉपिक्स एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज वेवल प्लेन, व्हाई वी कॉल इट वेवल प्लेन, इसके हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि वेवल प्लेन का शिमला कॉन्फ्रेंस के साथ क्या कनेक्शन है और ये शिमला कॉन्फ्रेंस हुई क्यों थी। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट इट स्टार्ट द टॉपिक। एज द नेम इंडिकेट वेवल प्लेन, ये वेवल जो था ये एक्चुअली ब्रिटिश का एक रिप्यूटेड मिलिट्री कमांडर था जो कि मार्च 1943 में इंडिया के वॉइसराय अपॉइंट हुए थे। सो बिफोर कमिंग टू इंडिया ये जो लॉर्ड वेवल थे ही वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेस। ठीक है, साथ ही साथ He had successfully commanded the British armies during the World War II. That's why inki bahut achhi good administrative experiences the. Clear? So, ये लॉर्ड वेवल जो थे ये जब इंडिया में आते हैं तो ये अपने साथ एक स्कीम लेकर आते हैं फॉर द इंडियन पीपल एंड फॉर द सेटलमेंट ऑफ फ्यूचर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। और वो स्कीम क्या कहलाता है, वो कहलाता है वेवल प्लेन। ठीक है, एक्चुअली ये वेवल प्लेन जो था इसको डिस्कस किया गया था, इसकी डिस्कशन के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी शिमला के मुकाम पर। ठीक है, कब बुलाई गई थी, 25 जून 1945 को। नाउ इट मस्ट बी क्लियर के जो वेवल प्लेन था इसको डिस्कस करने के लिए शिमला के मुकाम पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि ये जो प्लेन था उसको डिस्कस किया गया था। ठीक है, सो दैट्स व्हाई जो मैंने कहा कि इन दोनों की क्लोज कनेक्शन है तो वो इस वजह से थी। आगे चलकर अब हम इसकी मजीद डिटेल देखते हैं। सो नाउ इन ऑर्डर टू डिस्कस द टॉपिक इन डिटेल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बैकग्राउंड पे जाऊंगी क्योंकि बैकग्राउंड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बैकग्राउंड में क्या हुआ था कि एज आई टोल्ड यू, जब लॉर्ड वेवल इंडिया में एज अ वॉइसराय अपॉइंट होते हैं तो उनके सामने इंडिया में कुछ चैलेंजेस थी। चैलेंजेस क्या थी जब वो वॉइसराय अपॉइंट होते हैं, एक था कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी। ठीक है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान डेडलॉक बनी हुई थी ओवर द सेपरेट स्टेट। जबकि तीसरा जो चैलेंज था वो था उड़ीसा और बंगाल में एक सिवियर किस्म का फेमाइन आया हुआ था। तो ये सारी सिचुएशन थी लॉर्ड वेवल के सामने जब वो वायसराय अपॉइंट होते हैं। ठीक है, सो इसी सिचुएशन को, इसी सरकमस्टांसिस को देखते हुए क्या होता है कि जो लॉर्ड वेवल होते हैं वो वापस लंदन चले जाते हैं 23 मार्च 1945 को और अपने साथ इन्हीं सरकमस्टांसिस, इन्हीं सिचुएशन को, प्रॉब्लम्स को लेते हुए वो वहां पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया होते हैं मिस्टर एमरे, उनके साथ डिस्कशन उस पर शुरू करते हैं और ब्रिटिश कैबिनेट के साथ इन पर बातचीत करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि लॉर्ड वेवल आफ्टर डिस्कशंस क्या करते हैं कि इंडिया में वापस आते हैं और एक स्टेटमेंट की सूरत में वो अनाउंस करते हैं 14 जून को मिस्टर एमरे लंदन में अनाउंस करते हैं जबकि इंडिया में लॉर्ड वेवल अनाउंस करते हैं। क्या अनाउंस करते हैं, वेवल प्लेन, जिसको एमरे वेवल प्लेन भी कहा जाता है। अब आते हैं वेवल प्लेन को देखते हैं कि वेवल प्लेन में क्या था, जो वॉइसराय ने स्टेटमेंट दिया हुआ था। सो दैट स्टेटमेंट वॉज मेनली रिलेटेड टू द वॉइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, मीन्स दैट के वेवल प्लेन में क्या था, वॉइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हवाले से बात थी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वॉइसराय को दोबारा से रिकंस्टिट्यूट किया जाएगा।
ठीक है, और इस तरीके से रिकंस्टिट्यूट किया जाएगा कि इसमें हम बैलेंस रिप्रेजेंटेशन या पैरिटी की बुनियाद पर हम इनको रिप्रेजेंटेशन देंगे मेन कम्युनिटीज को। मेन कम्युनिटीज कौन कौन सी थी? मुस्लिम लीग और कांग्रेस की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हम दोनों पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को बैलेंस की बुनियाद पर रिप्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है। इसके अलावा कहा गया कि अगर सेंटर में ये वाला आइडिया, ये स्कीम कामयाब हो जाती है तो इट इज होप टू बी रिफ्लेक्टेड इन दी प्रोविंस। तो हो सकता है कि हम प्रोविंसेस में भी इसी सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दें अगर सेंटर में ये कामयाब हो जाता है, ठीक है। So for this purpose, the Viceroy would call a conference of all political leaders and put before them a list of names from which he would choose his new counselors. क्या हुआ कि इस मकसद के लिए Viceroy ने शिमला के मुकाम पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उन तमाम लीडर्स को बुलाया गया और उनको कहा गया कि आप अपनी अपनी लिस्ट दे दे ताकि उसमें हम न्यू काउंसलर्स को चूज कर सकें। अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो मेंबर्स थी, टोटल सीट्स कितनी थी? 14 सीट्स थी, ठीक है। और इन 14 सीट्स में जो मुसलमानों का हिस्सा बन रहा था वो 5 सीट्स मुसलमानों के हिस्से में आ रही थी। सो इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द वेवल प्लान टू ब्रेक द पॉलिटिकल डेडलॉक ऑफ इंडिया, अ कॉन्फ्रेंस वॉज कन्वेंट ऑन 25 जून 1945। As I told you in the previous lecture के वेवल प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला के मकाम पर कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस में जो टोटल इन्वाइटीज होते हैं वो 21 होते हैं, जिसमें से मुस्लिम लीग की तरफ से कायद आजम मोहम्मद अली जिना, लियाकत अली खान, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, गुलाम हुसैन हिदायतुल्ला, सर मोहम्मद असदुल्ला एंड हुसैन इमाम शामिल होते हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, खिजर हयात टिवाना, डॉक्टर खान साहिब एंड सम अदर मेंबर्स इसमें शामिल होते हैं। अब हमने तो प्रीवियस स्लाइड में वेवल प्लान को डिस्कस कर दिया, अब दोबारा से प्रॉब्लम कहाँ पे बनी, डेडलॉक कहाँ पे बना? तो वो इस बात पे बना कि जब इस कॉन्फ्रेंस में दोनों कम्युनिटीज की तरफ के लिए क्या किया गया, लिस्ट को मंगवाया गया या बताया गया कि हमें लिस्ट दे दें, तो इस बात पर डेडलॉक बन जाती है कि मुस्लिम लीग ये डिमांड करते हैं कि जो 5 के 5 मेंबर्स होंगे ये मुस्लिम लीग के नॉमिनीज होंगे, ठीक है। जबकि वॉयसराय का ये ओपिनियन था कि अगर 4th मेंबर इसमें मुस्लिम लीग की बजाय नॉन मुस्लिम लीग ही शामिल किया जाए तो वो ये बेहतर होगा। और वो किसको ऐड करना चाहते थे? वो पंजाब के पंजाबी मुस्लिम को या पंजाब को उसमें सीट देना चाहते थे, ठीक है। जबकि इस वायसराय के इस अमल के लिए कहा जाता है कि इसको इंसिस्ट किया गया था ब्रिटिश की तरफ से और हिंदू ऑफिशियल्स की तरफ से, इन पर प्रेशर डाला गया था कि खिजर हयात टिवाना को इसमें शामिल किया जाए, मींस के पंजाब के लिए इनको सीट्स दे दी जाए मुस्लिम लीग की तरफ से, ठीक है। बिकॉज जो खिजर हयात टिवाना होते हैं उनका भी ये डिमांड था कि एक सीट यूनियनिस्ट पार्टी को दे दी जाए, जिसको खुशी खुशी वायसराय एक्सेप्ट कर देते हैं। और यूं वंस अगेन इन दोनों के बीच में ये डेडलॉक बन जाती। सो आफ्टर दिस कायद आजम टुक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड ऑन दीज टर्म्स। उन्होंने जवाब दिया कि इट इज इम्पॉसिबल के मुस्लिम लीग जो है वो कॉपरेट करे इस बात पे कि 4 मेंबर मुस्लिम लीग से होंगे और 1 मेंबर यूनिनेस्ट पार्टी से शामिल होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। उस वक्त तक हम कॉपरेशन नहीं करेंगे जब तक कि तमाम के तमाम 5 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मुस्लिम लीगी ना हो। इसके अलावा मुस्लिम्स को एक स्पेशल सेफगार्ड और प्रोटेक्शन उनके मुफादात को ना दे दी जाए, तो उस वक्त तक इम्पॉसिबल है कि हम कॉपरेट करें, ठीक है। तो इसके जवाब में वायसराय रिफ्यूज करते हैं इस कंडीशन को। तो मिस्टर जिना उसके जवाब में रिप्लाई देते हैं दैट इफ देयर वर सो द मुस्लिम लीग कुड नॉट कॉपरेट,
क्लियर. सो इट इट्स फाइनल मीटिंग ऑन 14 जुलाई द वायसराय अनाउंस्ड द फेलियर ऑफ द कॉन्फ्रेंस एंड टेकिंग ऑन इन हिमसेल्फ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ब्रेकडाउन. क्या होता है कि 14 जुलाई को खुद ही वायसराय अनाउंस करते हैं कि कॉन्फ्रेंस नाकाम हो जाती है और इसकी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ले लेते हैं कि वो इस प्लान को भी इंप्लीमेंट करने में नाकाम रहे या ये कॉन्फ्रेंस नाकाम हो जाती है. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी वेवल प्लेन इन शिमला कॉन्फ्रेंस. होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड दिस. बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. And if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video. Love is.